नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन डोसा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी एकदम हेल्दी वे में। अगर मैं आपको वेट लॉस करना है तो आप ये डोसा बना करके अपने वेट लॉस जर्नी में इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रोटीन से भरा हुआ होगा ये, और हम हेल्दी चटनी के साथ बनाएंगे। हेल्दी डोसा होगा तो हेल्दी चटनी चाहिए ना उसके साथ खाने के लिए। तो ये एकदम क्विक रेसिपी है और ये इंस्टेंट डोसा है, बहुत बढ़िया लगता है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। प्रोटीन डोसा बनाने के लिए पहले तो हमें बैटर बनाना है। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भिगा हुआ दाल ले लिया है। मैंने दाल रेडीमेड पैकेट में जो आता है ना, आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, पंचरत्न दाल मिक्स किया हुआ। पंचरत्न दाल में थोड़ा सा राइस मिक्स किया हुआ रहता है जिससे आप खिचड़ी बना सकते हो। आपको घर पे ला के अलग अलग दाल मिक्स करके आपको बनाना नहीं होता है खिचड़ी या दाल, बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने वो खिचड़ी वाला पैकेट लिया है जिसमें 5 तरह का दाल है और राइस बहुत नाम मात्र है। बता दूँ, अगर मैं 1 कप दाल है तो उसमें 1/4 कप राइस है, बस इतना ही है। लेकिन राइस ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप टोटली उसको स्किप कर सकते हैं। और जो ये मैंने मिक्स दाल ला के पैकेट का मैं बना रही हूँ, आप सेपरेट दाल अगर मैं आपके पास हो घर पे तो आप सेपरेट अलग अलग दाल, मतलब इसमें क्या क्या है, चना, मटर, तुअर, मसूर और मूंग की दाल। और इसमें कुछ स्किन वाले दाल हैं और कुछ स्किनलेस हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा का पूरा दाल स्किन वाला भी होगा ना तो भी और बढ़िया है, तो वैसा भी कर सकते हो। और होल साबुत अगर ये सारी दाल है उसको भी भिगाना ही तो है हमें, भिगा के बढ़िया उसको पेस्ट बनाना है, बैटर बनाना है, तो वो खड़े अक्खे दाल का भी आप बना सकते हो। तो ये रहा हमारा दाल बढ़िया, इसको 4-5 पानी से वॉश करके मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, लेकिन ये 4 से 5 घंटे में अच्छे से भीग जाता है। अब इसको हमें बढ़िया पीस लेना है, एकदम देखो कितना अच्छा एकदम फूल गया है। तो हम लेंगे मिक्सर जार और इसमें हम पूरा दाल डाल देंगे उठा के। दाल को मैंने जार में डालने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है, तो इसमें 6 हरी मिर्च डाल रही हूँ, तीखा आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ऐसे काट लिया है इसमें जस्ट फ्लेवर देने के लिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक बैटर बनाने के बाद भी आप डाल सकते हो, लेकिन अभी भी डाल सकते हो। और अगर मैं आपको चाहिए तो इसमें लहसुन का भी आप डाल सकते हो, 1-2 कली डाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसका स्मूद बैटर बना लेंगे। अब इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टेंट डोसा है और ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़ों के साथ साथ ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। इसको हम बढ़िया बारीक पीस लेते हैं। बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखो इतना बारीक हमें इसको पीसना है। इसमें एक चीज़ अभी बाकी है, वो है काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बस ये बैटर हमारा रेडी हो गया है, इसको बढ़िया मिक्स कर लेंगे। नमक कम ज़्यादा होगा तो हम इस स्टेज पे टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, या पहले नहीं डाले होंगे तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। बढ़िया मिक्स कर दिया, इसकी कंसिस्टेंसी हम देख लेते हैं। ये देखो ये परफेक्ट है, अब इसमें और पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया, इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, ये बिना सोडा का बहुत बढ़िया बनता है। अब साथ के साथ ही हम रेडी कर लेंगे एक सुपर हेल्दी चटनी। अब इसके लिए मैंने 1/2 कप ले लिया है पीनट, सिंगदाना ले लिया है, 5-6 मैंने करी लीव्स ले लिया है, यहाँ पे 6 हरी मिर्च ले लिया है मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू का रस हमें चाहिए। अराउंड मिक्सर जार में 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ ही डाल देंगे। इसमें हमें 2 पिंच जितना शक्कर डालना है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। आप ये मत सोचना मीठा मीठा लगेगा, डाल के एक बार ज़रूर ट्राई करना, मीठा बिल्कुल नहीं लगता है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अब ये जो नींबू था इसको हम स्क्वीज़ कर देते हैं इसमें। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे जिससे कि ये चटनी एकदम बारीक पिस जाए। 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको बारीक हम पीस लेते हैं। चटनी एकदम बढ़िया बारीक पीस लिया है, ये चटनी हमारा बनकर रेडी हो गया है।
हमें इस तरह से पीस लेना है। अब इस चटनी में आप तड़का भी लगा सकते हो, जैसे नारियल की चटनी में हम लोग तड़का लगाते हैं ना, मतलब तड़का पैन में तेल डालो, उसमें राई दाना डालो मतलब सरसों का दाना डालो और हींग डालो और थोड़ा सा करी लीव्स डाल के उसको बढ़िया पका के इसमें तड़का लगा सकते हो, जैसे नारियल की चटनी में हम लगाते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन क्या है, मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता है तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। ऐसे प्लेन भी बनाकर खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो चटनी हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने एक रख दिया है नॉनस्टिक का पैन। इस तरह का पैन हो आपके पास या तवा हो जिस पे आप नॉर्मल डोसा बनाते हो तो दोनों पे बन जाएगा एकदम बढ़िया। इस पे एक दो ड्रॉप मैंने तेल डाला और इसको बढ़िया मैंने एक किचन टावल से मतलब पेपर टावल से बढ़िया चिकना कर देंगे। तेल डाल के उसके ऊपर तुरंत हम बैटर डाल के हम फैलाएंगे नहीं, नहीं तो नीचे से फूलने लगता है, बड़ा अजीब सा हो जाता है। इस तरह से तेल डाल के पूरा तवा चिकना करके फिर आप बैटर डाल के फैलाएंगे। और तवा का टेम्परेचर एकदम मैंने कम पे कर दिया है, फ्लेम को एकदम स्लो पे कर दिया है, एकदम मामूली गर्म हमारा तवा है। मतलब इतने ऊपर हाथ कर रहे हैं तो बढ़िया हीट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बैटर लेंगे और सेंटर में डालेंगे। डालने के बाद अब सेंटर से ही हमें ना इसको फैलाना शुरू करना है, ये देखो। और अगर मैं आपको डोसा एकदम क्रंची चाहिए तो आप थोड़ा स्लो फ्लेम पे सेकना इसको, अगर मैं एकदम सॉफ्ट चाहिए तो फ्लेम थोड़ा ज़्यादा कर देना तब सॉफ्ट होगा, लेकिन क्रंची के लिए आपको फ्लेम स्लो करना होगा। और ये प्रोटीन डोसा है, ये थोड़ा सिकने में टाइम लगता है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब ऊपर से हम तेल डाल देंगे और तेल की जगह आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आपको डालना है आप ऐसे डाल दो। और फिर हमें इसको अच्छे से फैला लेना है तेल को चारों तरफ, और इसको अब हमें सिकने देना है। ये देखो एकदम बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। मैं थोड़ा सा क्रंची बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसको सेकूँगी। ये डोसा हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम को एकदम स्लो पे कर देंगे। अब ये देखो चारों तरफ से डोसा हमारा छोड़ दिया है। अगर मैं दो चार डोसा ऐसे बना लेंगे ना तो शेप बहुत बढ़िया आने लगेगा। शेप के ऊपर मत जाना, बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये डोसा हमारा मैं दिखा रही हूँ कितना क्रंची और कितना अच्छा बना हुआ है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं एक पेपर टावल लेती हूँ, फिर इसको हम पकड़ के उठाते हैं, दिखाते हैं। इसका देखो कितना बढ़िया ये बनकर रेडी हुआ है दोनों तरफ से। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, वो इसलिए कि मैंने इसको धीमे आंच पे सेका है, इसलिए इतना क्रंची ये हुआ है। ये देखो अब इसी तरह से हम और भी अपना सेक लेते हैं। वही है, गर्मा गर्म सेको और खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब फिर दूसरा बैटर डोसा जब हम बनाएंगे ना तो तवे को हमें एकदम चिकना कर लेना है, क्लीन कर लेना है, तब हम दूसरा डोसा अपना बनाना शुरू करेंगे। ये देखो अभी हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तवा हमारा चिकना है, तो इसी पे हम सीधा दूसरा बैटर भी हम मतलब दूसरे डोसे का बैटर हम डाल देंगे। ये देखो फिर हम फैला देंगे बढ़िया, और देख सकते हैं आँच को एकदम कम पे किया है ना मैंने, कितना अच्छा सा फैल रहा है ये डोसा। बिल्कुल भी जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता ना तो फैल नहीं पाता ये अच्छे से। ये हो गया, अब हम फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर तेल डालेंगे और बढ़िया फैला देंगे इस तेल को, जैसे पहले डोसा सेका ना पहला वाला, उसी तरह से हमें दूसरा वाला भी सेक करके रेडी कर लेना है। दूसरा डोसा भी हमारा बढ़िया सिक गया है। अब फ्लेम को एकदम स्लो पे कर देंगे हम। अब इसको हम निकाल लेंगे इसी तरह से, और बाकी के भी जैसे जैसे लोग खाते जाएंगे घर में वैसे वैसे आप ताज़ा ताज़ा सेकते जाएंगे। एक साथ भी सेक के ना रख देना, नहीं तो टेस्ट वही है, इतना अच्छा नहीं आता है ठंडा डोसा का, यही बताऊँगी आपको। बस ये देखो दूसरा डोसा भी कितना बढ़िया और क्रंची बनकर रेडी हो गया है। ये रहा हमारा गर्मा गर्म हेल्दी डोसा, प्रोटीन डोसा विथ हेल्दी चटनी, इतना बढ़िया बनकर रेडी हो गया है।
इस तरह से आप लोग भी बना करके इंजॉय कर सकते हो। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस डोसा को, सीरियसली दाल वगैरह इस तरह से खिलाना है बच्चों को कुछ, तो ऐसे डोसा आप बना करके खिला सकते हैं। इस डोसा की एक और खासियत है, पेट बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि ये पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है ना, क्योंकि सारे इसमें दाल ही गए हैं। अगर मैं, हाँ, राइस आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर देना राइस, और कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दाल से भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी ना तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और जो नए होंगे ना चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।